आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लिनिकल डायग्नोस्टिक और पैथोलॉजी लैब बेस्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में टेस्ट मास्टर कैसे क्रिएट करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे किसी भी लैब टेस्ट का प्राइस अपने अकॉर्डिंग कैसे सेट करेंगे और अगर किसी लैब टेस्ट को मॉडिफाई या डिलीट करना हो तो वो कैसे करेंगे, सब कुछ जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर का आइकन आप देख सकते हैं डेस्कटॉप में और सेम आइकन आपको यहाँ टास्क बार में भी शो हो रहा है, तो हम कहीं पे भी क्लिक करके जल्दी से सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। और हम जैसे ही सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होकर के आ जाएगा लाइक दिस। अब यहाँ से जो हमारा करेंट फाइनेंशियल ईयर होगा उस पर हमें डबल क्लिक करना होगा। यहाँ पर हम लॉग देंगे और उसके बाद डबल एंटर प्रेस करेंगे और ये हमारे सामने सॉफ्टवेयर का कंप्लीट इंटरफेस ओपन होकर के आ गया है। और जैसा कि आपको पता है, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि टेस्ट मास्टर कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं और अपने लैब के अकॉर्डिंग अगर किसी टेस्ट को डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे, यानी कि हम अपने पैथोलॉजी या फिर डायग्नोस्टिक लैब के अकॉर्डिंग टेस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है राइट साइड में टेस्ट का, तो यहाँ पर आप अगर टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप न्यू टेस्ट बना सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये हमारे सामने न्यू टेस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाता है और न्यू टेस्ट ऐड करने के लिए आप शॉर्टकट की Ctrl+T का भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि ये पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा आसान है। सेम उसी तरह से टेस्ट को भी मॉडिफाई करना, कोई नया टेस्ट ऐड करना, डिलीट करना, ये बहुत ही ईजी है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे मास्टर में और मास्टर में आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है लिस्ट ऑफ टेस्ट। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे लिस्ट ऑफ टेस्ट में, तो हमारे सामने सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट बहुत सारे लिस्ट ऑफ टेस्ट्स अवेलेबल हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि सारे लिस्ट ऑफ टेस्ट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि टेस्ट ग्रुप हम कैसे क्रिएट करते हैं या फिर टेस्ट ग्रुप में कोई मॉडिफिकेशन करना हो, कोई सब टेस्ट ग्रुप में कुछ मॉडिफिकेशन करना हो, ऐड करना हो, तो टेस्ट ग्रुप हो या सब ग्रुप हो वो हम इजीली ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से बताया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ टेस्ट की बात करेंगे कि टेस्ट कैसे हम ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले जाएंगे टेस्ट ग्रुप में और यहाँ पर हम टाइप करते हैं, एक टेस्ट ग्रुप ले लेते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल बायोकेमिस्ट्री। तो ये देखिए, बायोकेमिस्ट्री का हमारे पास ये, हमने जैसे ही बायोकेमिस्ट्री टाइप किया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में जितने भी नंबर ऑफ टेस्ट है वो शो हो रहे हैं। और ये टेस्ट कहाँ पे शो हो रहे हैं, ये देखिए, ये ग्रुप नेम होता है, तो ग्रुप नेम ऑलमोस्ट सेम रहता है सारे टेस्ट के लिए। और इस ग्रुप में नंबर ऑफ टेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं, आप देख सकते हैं कि ब्लड शुगर एफ, यूरिन शुगर एफ, ब्लड शुगर PP, यूरिन शुगर PP, ब्लड शुगर रैंडम, ऐसे बहुत सारे, कितने नंबर ऑफ टेस्ट हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 43 नंबर्स टेस्ट हैं। अब इस टेस्ट में क्या होता है कि आपको बायोकेमिस्ट्री में मे भी आपको ऐसा नीड हो कि नहीं मुझे कोई नया टेस्ट ऐड करना है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। और अगर इसमें से कोई भी ऐसा नंबर ऑफ टेस्ट आपको दिख रहा है जिस टेस्ट को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो बस उस पर डबल क्लिक करके हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और जस्ट टेस्ट नेम के बगल में है ग्रुप नेम, तो ग्रुप नेम तो कॉमन है क्योंकि हमने यहाँ पे सर्च बार में बायोकेमिस्ट्री सर्च किया हुआ है, तो इसलिए ग्रुप नेम सभी टेस्ट में कॉमन आएगा। और यहाँ पे जो यूनिट है वो यूनिट सबका अपने अकॉर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हैं, वैसे बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो बेसिकली आपको न्यू नंबर ऑफ टेस्ट या कोई भी नया टेस्ट ऐड या मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट ये सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है कि अगर आपको कोई टेस्ट ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए, ये तो यूनिट है, आपको समझ आ गया, उसके बगल में नॉर्मल रेंज दिया हुआ है। तो नॉर्मल रेंज बेसिकली जो टेस्ट्स में होते हैं वो बाय डिफॉल्ट इसमें दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना वो है कॉस्ट का, क्योंकि जो नंबर ऑफ टेस्ट होता है हर एक लैब का, हर एक पैथोलॉजी का अपना अपना कॉस्टिंग होता है। तो देखिए, कॉस्टिंग के लिए क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंग कॉस्ट सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि एक हमारा ग्रुप है बायोकेमिस्ट्री, अब बायोकेमिस्ट्री के अंदर टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया नंबर 43 टेस्ट हैं। अब इस 43 टेस्ट का कॉस्ट जो है सबका आप अलग अलग लिख सकते हैं या फिर इस पूरे ग्रुप का एक कॉस्ट आप बना सकते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि लाइक देखिए, आपको जाना होगा यहाँ मास्टर में और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा टेस्ट ग्रुप का,
तो जो भी आपके टेस्ट ग्रुप है वो यहाँ पर शो होंगे। तो अभी जो मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ बायोकेमिस्ट्री का, तो बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अभी इस पर आपको डबल क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री टेस्ट आ रहा है, और इसमें टोटल कॉस्ट अगर आप एक साथ पूरे ग्रुप का लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बस डिफाइन करेंगे लाइक दिस, और ये टोटल कॉस्ट आप बायोकेमिस्ट्री का एक साथ ले सकते हैं। ये तो एक ऑप्शन हो गया जो सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। फिलहाल इसको क्लोज करते हैं क्योंकि पहले के वीडियो में मैंने ये आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है लाइक अगर आप अलग अलग टेस्ट का, जैसे आप किसी पेशेंट का सिर्फ ब्लड शुगर कर रहे हैं तो उसका आप अलग से कोई कॉस्ट लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब है कि लाइक इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, तो मैं एक कोई सा भी यहाँ से टेस्ट ले लेता हूँ और उस पर हम जब डबल क्लिक करेंगे तो वो उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने एक यहाँ पे टेस्ट सेलेक्ट किया है, वो है ब्लड शुगर रैंडम। अब इस पर हमें डबल क्लिक करना होगा। अभी हमने जैसे ही इस पर डबल क्लिक किया ये टेस्ट का एंट्री फॉर्म हमारे पास ओपन हो गया। अब ये है ब्लड शुगर का नेम, अगर इसका नेम अगर आपको कुछ एडिट करना है या फिर अगर आप चाहते हैं कि कुछ और नेम से हमको शो करना है अपने टेस्ट रिपोर्ट में तो वो चीज़ आप यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे वो चीज़ अपडेट हो जाएगी। सेकेंड चीज़ आता है ऑर्डर नंबर, कि जब बायोकेमिस्ट्री टेस्ट आप सेलेक्ट करोगे पेशेंट की एंट्री करते समय तो वहाँ पे ये कौन से नंबर पे शो होना चाहिए, ऊपर से फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, तो वो सीरियल नंबर दिया हुआ है। और ये है ग्रुप, और ग्रुप का ऑप्शन मैंने अभी आपको दिखाया कि आपको ब्लड शुगर किस ग्रुप में रखना है, लाइक बायोकेमिस्ट्री में, बायोस्पी में, बॉडी फ्लूइड में, कंप्लीट सीबीसी में रखना है आपको, कल्चर रिपोर्ट, तो ऐसे जितने भी ग्रुप्स आप बनाए होते हैं वो सब आपको यहाँ पे शो होता है। तो ऑलराइट, तो ये हमारा बायोकेमिस्ट्री में ही रहेगा। अब एक पार्ट और आता है सब ग्रुप का, तो इसका भी ऑप्शन मैंने आपको पहले से बताया हुआ है ऑलरेडी पिछले वीडियो में कि बहुत सारे ग्रुप के अंदर भी सब ग्रुप्स होते हैं तो वहाँ पे भी आप सब ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे DLC, मैक्रोस्कोपिक। तो ये फिलहाल मैंने आपको पहले के वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, तो इसको फिलहाल हम अनटिक करेंगे क्योंकि ब्लड शुगर हमने किसी सब ग्रुप में नहीं रखना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है टेस्ट का कोड। अगर आप हर एक टेस्ट नेम को किसी पर्टिकुलर कोड से प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो कोड आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यूनिट का। यूनिट आप, मैंने जैसा आपको बताया कि जो आपको फ्रंट में दिख रहा है उसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। एक होता है डिफॉल्ट वैल्यू, कि अगर आप जान, नॉर्मली कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट ही आती है तो वो आप यहाँ पे शो कर देंगे तो वो वैल्यू ऑटोमेटिक रिपोर्ट में शो करेगा, अदरवाइज इसे हम ब्लैंक छोड़ देंगे। अब ये है कॉस्ट वाली पार्ट, कि आप ब्लड शुगर रैंडम का क्या कॉस्ट लेते हैं, क्या प्राइस लेते हैं। तो अगर आपने ग्रुप में सेट कर रखा है कि नहीं मैंने बायोकेमिस्ट्री, अगर मैं फुल बायोकेमिस्ट्री करूंगा तो उसका मैं 5000 लूंगा तो वो आपको बस 5000 वहां लिख देना, यहाँ कॉस्ट आप जीरो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सारे टेस्ट का अलग अलग लेना चाहते हैं, कि अगर आपके पास कोई इंडिविजुअल आया, कोई पेशेंट आया और आप चाहते हैं कि ब्लड शुगर रैंडम का मैं कुछ कॉस्ट डिफाइन करूं, तो लाइक अगर आपने यहाँ पे 100 लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली 100 वहाँ पे सेलेक्ट होकर के आएगा। इसके एग्जांपल मैं आपको आगे दूंगा, फिलहाल मैंने ये कॉस्ट डिफाइन कर दी। ये होता है नॉर्मल रेंज, तो ये नॉर्मल रेंज तो सारे ब्लड शुगर रैंडम के लिए सेम होता है तो वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, बट अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंज करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। ये लोअर रेंज है, ये अपर रेंज है, और यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है सॉफ्टवेयर में, वो है मेल एंड फीमेल का। तो किसी किसी टेस्ट में क्या होता है कि मेल के केस में नॉर्मल रेंज का लोअर रेंज और अपर रेंज अलग होता है, फीमेल का अलग होता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर दोनों में सेम रहता है तो आप नीचे वाले को 0-0 कर सकते हैं, ऊपर में आप लोअर और अपर रेंज डाल सकते हैं। और ये है आपका नॉर्मल रेंज फीमेल के लिए, तो अभी फिलहाल हम इसे ब्लैंक छोड़ते हैं क्योंकि ये सब कुछ सेम है सबके लिए, अगर अलग हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एनीवे, अब ये सेकंड पार्ट आता है नोट्स का, कि लाइक अगर आपको कुछ टेस्ट ऐसे भी होते हैं कि आपको ना नोट्स डालने होते हैं टेस्ट के साथ तो वो नोट्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपका कोई ऐसा नोट्स नहीं डालना है, किसी टेस्ट के साथ नहीं रिप्रेजेंट करना, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है विडाल टेस्ट का। तो अगर कोई टेस्ट विडाल टेस्ट के फॉर्म में आता है तो विडाल टेस्ट का कुछ अपना फॉर्मेट होता है तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर ये विडाल टेस्ट के अंदर नहीं आता है इसको हम स्किप करेंगे, इसको छोड़ देंगे। इस तरह से दोस्तों आप किसी भी टेस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी प्राइस सेट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको लास्टली क्या करना होता है, अपडेट पे क्लिक करना होता है लाइक दिस।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियरली टेस्ट अपडेटेड का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब आपने टेस्ट अपडेट कर दिया। ओके पे क्लिक करेंगे, अभी इसको क्लोज करेंगे। अगेन आपको क्या करना है कि बायोकेमिस्ट्री पे सर्च करना है, और बायोकेमिस्ट्री में जो अभी हमने काम किया है वो रैंडम, तो यहाँ पे देखिए हमने इसकी कॉस्ट डिफाइन की थी 100, तो यहाँ पे 100 आ रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि लिस्ट ऑफ टेस्ट को मॉडिफाई करना बहुत ही आसान है, और जिस तरह से आपने मॉडिफाई किया, अगर उसी तरह से अगर कोई ऐसा टेस्ट है जो आपके काम का नहीं है, जो आपको नहीं परफॉर्म करना है, तो आपको जस्ट उस पर डबल क्लिक करना है। एज फॉर एग्जाम्पल यूरिन शुगर, इसको आप बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के अंदर रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते, तो आपको क्या करना होगा, जस्ट इस पर डबल क्लिक करेंगे और नीचे में एक ऑप्शन आ रहा है डिलीट का, तो आप जैसे ही डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा। आप जैसे ही यस करोगे तो बायोकेमिस्ट्री से यूरिन शुगर का ऑप्शन डिलीट हो जाएगा, फिर वो ऑप्शन आपको टेस्ट में नहीं शो होगा। तो इस तरह से आपने देख लिया कि टेस्ट को मॉडिफाई और डिलीट हम कैसे करेंगे, प्राइस हम कैसे सेट करेंगे। आई होप कि आपको ये बहुत आसान लगा होगा, और ये सच में बहुत आसान है। जब आप सॉफ्टवेयर पे ऑपरेट करेंगे आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस फेस नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए फिर से चलते हैं मास्टर में, लिस्ट ऑफ टेस्ट में, और यहाँ पर अगर मुझे कोई दूसरा टेस्ट ग्रुप सर्च करना हो लाइक बायोकेमिस्ट्री की तरह, मैं एक ऑप्शन लेता हूँ हेमाटोलॉजी का। तो यहाँ पे जैसे देखिए, मैंने जैसे ही हेमाटोलॉजी सर्च किया है तो यहाँ पे हेमाटोलॉजी रूटीन के जितने भी टेस्ट आते हैं वो हमें शो कर रहे हैं। तो हेमाटोलॉजी रूटीन जो है उसमें कितने हैं हमारे पास, 33 टेस्ट हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि सारे टेस्ट आपको हर एक ग्रुप में मिल जाएंगे, यानी कि बाई डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, अगर किसी टेस्ट को आपको मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, या फिर कोई कॉस्ट डिफाइन करनी है, सेम आप उसी तरह से प्रोसेस को फॉलो करेंगे और आप यहाँ पे टेस्ट को मॉडिफाई एडिट डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ टेस्ट ग्रुप का, जैसे कि लीवर फंक्शन। लीवर फंक्शन में इतने नंबर ऑफ टेस्ट हैं। अब लीवर में दो टेस्ट ग्रुप आते हैं, एक है लीवर एस्पिरेट और एक है लीवर फंक्शन टेस्ट। तो अगर लीवर एस्पिरेट करेंगे तो ये सिर्फ लीवर एस्पिरेट वाला बताएगा, और जो कि लीवर एस्पिरेट में कितने नंबर ऑफ टेस्ट, इतने सारे अवेलेबल हैं। वैसे ही अगर लीवर फंक्शन अगर हम यहाँ पे करेंगे तो लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर जो 10 टेस्ट है वो आपको यहाँ पर शो होगा। तो ये आप समझ चुके होंगे कि अगर आपको कोई सा भी टेस्ट ग्रुप सर्च करना है तो बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए इसी तरह से जो लिपिड प्रोफाइल के बारे में अगर आपको सर्च करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिपिड प्रोफाइल ग्रुप में नंबर ऑफ टेस्ट कितने, 13। अब इसमें अगर आपको कुछ भी एडिट मॉडिफाई करना है तो जैसे पहले किया वैसे इसमें भी हम लोग करेंगे। और ये जो ग्रुप नेम मैं आपको बता रहा हूँ, ये ग्रुप नेम आपको कहाँ पे मिलेगा, लाइक मैं यहाँ से ना लिपिड प्रोफाइल को ऐसे हटा देता हूँ, और उसके बाद आप जब यहाँ पे देखोगे तो सारे ग्रुप नेम आपको शो होंगे। तो अगर किसी टेस्ट का आपको सिर्फ ग्रुप नेम देखना है कि मेरा किस किस ग्रुप में मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, मास्टर में जाना है और यहाँ पे आपको जाना होगा टेस्ट ग्रुप में। तो यहाँ पर आप जितने भी टेस्ट ग्रुप बनाए होंगे वो आपको यहाँ पे शो होगा। और आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि ये जो ऑप्शन है टिक मार्क, इसका मतलब है कि ये सब ग्रुप है, मतलब किसी ग्रुप के अंदर सब ग्रुप बना हुआ है। तो इस तरह से आपको टेस्ट ग्रुप का पता कर सकते हैं, जितने भी टेस्ट ग्रुप्स हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। और यहाँ पे क्या है कि लिस्ट ऑफ टेस्ट है, तो जैसे ही अगर मैं किसी सर्च बटन पे कोई भी टेस्ट नेम यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं टेस्ट नेम वाइज भी सर्च कर सकता हूँ। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल LIP, तो लाइपेज जो है ये रेनल फंक्शन टेस्ट में आता है, तो ये मेरे को यहाँ पे दिख गया। तो इस तरह से आप टेस्ट नेम के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, किसी टेस्ट ग्रुप के थ्रू भी सर्च कर सकते हो, और अगर आपको प्राइस वाइज कॉस्ट वाइज सर्च करना है कि जैसे मैं 100 रुपीज़ का कौन कौन सा टेस्ट करता हूँ, तो आपको बस 100 टाइप करना है और 100 से रिलेटेड आपको सारे टेस्ट शो हो जाएंगे। आप 1000 टाइप करोगे तो 1000 से रिलेटेड आपके टेस्ट आ जाएंगे। तो इस तरह से ये ऑप्शन दिया हुआ है ताकि आपके लिए इजी हो कि आप टेस्ट नेम, टेस्ट ग्रुप या कॉस्ट से सर्च कर सकें। और एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन इसमें और भी अवेलेबल है, वो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। तो अगर ऐसे बहुत सारे कुछ टेस्ट हैं जो कि आपको इस टेस्ट ग्रुप में नहीं शो रहे हैं, वैसे ऑलमोस्ट आपको सभी चीज़ें शो होंगी, बट अगर ऐसा है आपको कोई टेस्ट बल्क में इंपोर्ट करना है या फिर एक्सपोर्ट करना है, तो वो आप दोनों ऑप्शन यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपको कोई सा भी लिस्ट ऑफ टेस्ट सर्च करना है तो बस आपको मास्टर में जाना है, लिस्ट ऑफ टेस्ट में जाना है, और यहाँ पे आप टेस्ट नेम सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे कोई LDL कोलेस्ट्रॉल सर्च करना है तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा LDL, और ये देखिए यहाँ पे हमें दो ऑप्शन आ गए, LDL कोलेस्ट्रॉल और LDL HDL रेशियो।
तो ये लिपिड प्रोफाइल के अंदर है। तो इस तरह से आप आसानी से सर्च कर सकते हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन या डिलीट करना हो तो जस्ट आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ से आप मॉडिफाई और डिलीट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि अगर कोई टेस्ट ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक आप ये तो समझ गए कि लाइक लिस्ट ऑफ टेस्ट में मॉडिफाई डिलीट ये सब कैसे करना है, लेकिन अगर कोई नया टेस्ट ऐड करना है तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कोई एक नया टेस्ट ऐड करने का और फिर आपको दिखाता हूँ कि ये टेस्ट कैसे काम करता है। तो मैं आपको गाइड करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं एक टेस्ट ग्रुप लेना चाहता हूँ जिसका नाम है किडनी फंक्शन टेस्ट। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ किडनी, तो मुझे यहाँ पे टेस्ट ग्रुप में कोई नेम शो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि वो टेस्ट ग्रुप बनाना होगा। तो हम क्या जाएंगे, मास्टर में और फिर जाएंगे टेस्ट ग्रुप में और यहाँ पे हम जाएंगे न्यू बटन पे और यहाँ पर हमें वो टेस्ट ग्रुप का नेम लिखना होगा, किडनी फंक्शन टेस्ट। अब एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा कोई सब ग्रुप नहीं है तो हम इसे स्किप करेंगे, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट, एंटर प्रेस करेंगे। ऑर्डर नंबर, इसे किस ऑर्डर नंबर पे रखना है तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मुझे इसे रखना है 19 नंबर पे तो यहाँ 19 रखेंगे। टोटल कॉस्ट आप किडनी फंक्शन टेस्ट का कितना लेना चाहते हैं, तो किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ टेस्ट आते हैं, जैसे सीरम यूरिया, सीरम BUN, सीरम यूरिक एसिड, तो इस तरह से आप ये चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ और यहाँ पे मैंने एक कॉस्ट डिफाइन कर दिया 2500 रुपीज। बस उसके बाद आपको एंटर है, अगेन एंटर प्रेस करना और यहां पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा न्यू टेस्ट ग्रुप हैज बीन एडेड। उसके बाद आपको जस्ट ओके बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आपने एक नया टेस्ट ग्रुप बना लिया है। अब हम जाएंगे मास्टर में, लिस्ट ऑफ टेस्ट में और यहां पे हम क्लिक करेंगे न्यू बटन पे, क्योंकि हमने कोई एक नया टेस्ट बनाना है। तो न्यू बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये एंट्री फॉर्म बिल्कुल ब्लैंक ओपन होकर के आ जाएगा। तो एज फॉर एग्जांपल हम एक टेस्ट बनाते हैं सीरम यूरिया, नेक्स्ट हमें एंटर प्रेस करेंगे, ऑर्डर नंबर यहाँ पे लिखेंगे 1, ग्रुप किस ग्रुप में आता है तो जैसा कि अभी हमने कौन सा ग्रुप बनाया है किडनी, तो यहाँ पे किडनी सेलेक्ट करेंगे। के जैसे ही मैंने प्रेस किया ये मेरा कर्सर यहाँ पे किडनी पे आ चुका है। अब बस जस्ट हमें एंटर प्रेस करना है, उसके बाद फिर से अगेन एंटर, कोई सब ग्रुप नहीं है इसके, स्किप करेंगे। टेस्ट कोड अगर हम कुछ देना चाहते हैं तो वो हम दे सकते हैं एज फॉर लाइक दिस, सेम इसी तरह से एंटर। सीरम यूरिया का जो यूनिट होता है वो होता है mg/dl लाइक दिस, तो ये यूनिट आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं और जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है उसे हम स्किप करते हैं। कॉस्ट जो है इसको हम स्किप करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने किडनी फंक्शन टेस्ट का कॉस्ट पूरा डिफाइन कर रखा है, तो जरूरत नहीं है। अगर आपको अलग से डालनी है तो आप डाल सकते हैं, नॉर्मल रेंज हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यूरिया का जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 15 to 45, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं 15 to 45 लाइक दिस। अगेन एंटर प्रेस करेंगे, लोअर रेंज जो है वो है 15, अपर रेंज जो है वो है 45 लाइक दिस। अगेन इसे स्किप करेंगे, यहाँ पे भी स्किप करेंगे, कोई नोट्स हमें नहीं देना तो हम इसे स्किप कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे और लास्टली एंटर प्रेस करके इसे हम सेव कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू टेस्ट हैज बीन एडिट का ऑप्शन आ गया। अब अगेन एंटर प्रेस करेंगे, इसे क्लोज कर लेते हैं। अब हम जाएंगे अगेन लिस्ट ऑफ टेस्ट में यहाँ पे और अब आप देख सकते हैं क्लियरली, अब यहाँ पे हम टेस्ट ग्रुप सर्च करेंगे किडनी फंक्शन टेस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सीरम यूरिया हमने बनाया था वो शो हो गया। तो इसे हम टेस्ट ग्रुप के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं और टेस्ट नेम के थ्रू भी, जैसे सीरम यूरिया हमें यहाँ पे टाइप करना होगा और ये आप देख सकते हैं कि ये सीरम यूरिया आ गया। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसे हम अपडेट या डिलीट कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि टेस्ट को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और कोई नया टेस्ट कैसे ऐड करेंगे, पेशेंट एंट्री कैसे लेंगे, पेशेंट को टेस्ट रिपोर्ट कैसे निकाल के देंगे, ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है। बट शॉर्ट में मैं आपको जल्दी से एक पेशेंट की एंट्री लेकर के बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। आपको जस्ट यहाँ पे पेशेंट एंट्री में क्लिक करना होता है, उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करना होता है, यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक शो करेगा, आपको एंटर प्रेस करना है, लैब नंबर ऑटोमेटिक आएगा और आप इसे जहाँ चाहे वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद एंटर प्रेस करना है, अगेन एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको पेशेंट का नेम देना है, एज फॉर एग्जांपल अंकित कुमार। यहाँ पर आपको एज देना है पेशेंट 25, जेंडर सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आप डॉक्टर का रेफरेंस दे सकते हैं, अगर कोई भी नया डॉक्टर आपको ऐड करना है, कुछ कमीशन मार्जिन आपको मैनेज करना है, यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। अगेन एंटर प्रेस करेंगे, एंटर, ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह आप दे सकते हैं, अदरवाइज इन सब चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ से हम जो टेस्ट ग्रुप हमने सर्च करना है
वो करने किडनी फंक्शन टेस्ट जो हमने बनाया है। वैसे तो आप जो चाहे वो टेस्ट ग्रुप आप परफॉर्म कर सकते हैं, बट अभी हमने एक टेस्ट ग्रुप बनाया था किडनी फंक्शन टेस्ट, तो हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं लाइक इस तरह से। और आप देख सकते हैं यहाँ पे किडनी फंक्शन टेस्ट आ रहा है, इस पर टिक मार्क करेंगे। अब इस ग्रुप में कौन सा टेस्ट आ रहा है, ये आ रहा है सीरम यूरिया का। अब इसमें और भी टेस्ट बनाएंगे वो सब आपको यहाँ पे शो होगा, बस हमने यहाँ पे टेस्ट ग्रुप पे क्लिक करना होता है और वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे शो करेगा। इसका प्राइस आपको ऑटोमेटिक शो करने लग जाएगा 2500 रुपीज। अब अगर पेशेंट ने आपको 2500 में सिर्फ 1000 पे किया है तो आप यहाँ 1000 लिखेंगे, नेट बैलेंस 1500 आपको यहाँ पे शो होगा। बस आपको सेव बटन पे क्लिक करना है और इस तरह से आपकी पेशेंट की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब इसी पेशेंट का अगर आपको टेस्ट रिपोर्ट निकालना है तो कितना आसान है, जस्ट आपको टेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं उस पेशेंट का नेम शो हो रहा है, जस्ट इस पे आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पर जस्ट आपको सिर्फ एक वैल्यू डालनी है जो कि उस पेशेंट का वैल्यू रिजल्ट आया है टेस्ट का, वो आपको बस यहाँ पे टाइप करना होता है, एज फॉर एग्जाम्पल 13, और उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक रेड मार्क हो गया, इट मींस कि उसका जो टेस्ट है वो लोअर रेंज और अपर रेंज से बाहर है, इसलिए ये रेड हो गया। लेकिन यही टेस्ट अगर लोअर रेंज और अपर रेंज के बीच में होगा तो वो आपका परफेक्टली शो करेगा लाइक दिस। और बस उसके बाद यहाँ पे आपको ये बताएगा कि आपको पेशेंट से कितने रुपए लेने हैं और उसके बाद आपको सेव करना है, आप यहाँ से रिपोर्ट बना चुके। इतना आसानी से आप किसी का भी रिपोर्ट बना सकते हैं और उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पे आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि आपका टेस्ट रिपोर्ट कैसा जनरेट होके आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली आपका टेस्ट रिपोर्ट जनरेट हो गया। यहाँ पे पेशेंट का नेम, लाइक उसका एज, रेफर्ड बाय, सारी चीज़ें प्रॉपर वे में शो होंगी। किडनी फंक्शन टेस्ट में कौन सा टेस्ट किया आपने, क्या रिजल्ट आया है, नॉर्मल रेंज क्या, ये सब आपको प्रॉपर वे में शो होंगी। और यहाँ हेडर में आप जैसा चाहें वैसा आप अपना अपने अकॉर्डिंग हेडर बना सकते हैं, या फिर हम आपको बना के देते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई प्रिंटेड रिपोर्ट है तो उसके ऊपर ये टेस्ट परफॉर्म होकर के आएगा। तो एनीवे ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, बस मैंने आपको एक एग्जांपल देने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने आपको ये दोबारा से बता दिया है। तो फाइनली दोस्तों कंक्लूजन ये है कि ये पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना सच में बहुत ज़्यादा आसान है। इससे आप अपने पैथोलॉजी लैब को बहुत ही स्मार्ट बना सकते हैं, क्रिएटिव बना सकते हैं और अपने पेशेंट का डेटा प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, पेशेंट को एक कंप्यूटर जनरेटेड प्रिंटेड टेस्ट रिपोर्ट निकाल के दे सकते हैं। तो ये सारी सुविधा आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से मिलती है। आप किसी डॉक्टर का रेफरेंस कमीशन मैनेज करना चाहते हैं वो भी इस सॉफ्टवेयर में आप आसानी से कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके मन में कोई सा भी डाउट हो पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो आप डायरेक्टली हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो मुझे रहेगा आपका इंतजार ओनली ऑन Digit24 के चैनल पे। तब तक के लिए सलाम दुआ वरकम प्रणाम सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच।